साहिबगंज जिला अंतर्गत तालझारी प्रखंड स्थित डाक बंगाल परिसर में हिंदू धर्म रक्षा मंच की बैठक रविवार को आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मुखिया दुर्गा किस्कू ने किया। बैठक प्रारंभ हनुमान चालीसा पाठ एवं गीत से किया गया, जो कि मंच के कार्यकर्ता देवाशीष यादव ने किया। इस मौके पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आए कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बात को रखा, जिसमें से बलराम दास ने बताया कि तालझारी प्रखंड में बड़े पैमाने पर आदिवासी बन बंधु को धर्मांतरण किया जा रहा है। हिंदू धर्म रक्षा मंच के अध्यक्ष संत कुमार घोष ने बताया कि अपने सनातन धर्म के अज्ञानता के कारण वह अन्य धर्म को अपना रहे हैं। कोई सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा के नाम पर या आर्थिक प्रलोभन देकर धर्मांतरण करा रहे हैं। इसे रोकने के लिए हिंदू धर्म रक्षा मंच को मजबूती प्रदान करना हम सभी कार्यकर्ताओं की जरूरत है। संगठन मजबूत होगा तभी धर्मांतरण रोक पाएंगे। सनातन धर्म पर हर लोगों की निगाहें टिकी हुई है, किसी प्रकार से धर्मांतरण कर अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं। इसे रोकने के लिए संगठन आवश्यक है। इस दौरान तालझारी प्रखंड के विस्तार करते हुए मंच के महासचिव केशव सिंह की उपस्थिति में तालझारी प्रखंड कमेटी की घोषणा किया, जिसमें प्रखंड प्रभारी संजय कुमार, सह प्रभारी महावीर ठाकुर, शिवपुरी तुरी संयोजक सुशील कुमार दास, सह संयोजक संजीव दास, महामंत्री हरदेव पंडित, अभी पंडित अमरजीत दास एवं मंत्री के रूप में आकाश टोपो, राहुल कुमार, छोटा हंसा एवं सीताराम दास को बनाया गया। साथ ही पवन दास को सोशल मीडिया प्रभारी बनाया गया, जिसमें से हिंदू धर्म रक्षा मंच के महासचिव केशव सिंह के द्वारा सभी नवयुक्त पदाधिकारी को माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस बैठक में बलराम दास, दीपक मुंडा, धीरेन्द्र दास, सीताराम दास, सूरज कुमार, मदन दास, रविदास, चंदन दास, बलराम दास, राजीव कुमार आदि दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। महिलाएं जननी है, माता है, बहन है, किसी का पत्नी है।